ये वाला डायग्राम जो है बेटा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमने किया जब इमेज बनी, उसको बोलते हैं इमेज इज फॉर्मड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन पर हमने इमेज फॉर्म की थी इससे पहले वाले पार्ट में। दूसरा पार्ट है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड। नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। ये रे डायग्राम, दिस रे डायग्राम इज यूज्ड, रे डायग्राम, ये वाले रे डायग्राम बेटा, दिस रे डायग्राम इज द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। अगर इमेज फॉर्म, व्हेन द इमेज फॉर्मड बाय द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज एट इनफिनिटी, देन द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज सेट टू बी नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड। अगर फाइनल इमेज इनफिनिटी पर बनेगी तब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को हम कह सकते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है, पैरेलल रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। मान लीजिए ये एक स्टार है जो इन्फिनिटी पर है, वहां से पैरेलल बीम ऑफ रेज आ गई, ये वाली रे रिफ्रैक्ट हो गई, ये स्ट्रेट निकलेगी। यहां पर बनी स्टार की इन्वर्टेड, पहले तो इन्वर्टेड रियल बट डिमनिश्ड, ये वाली इमेज बन गई। क्लियर है बेटा? तो इस आईपीस को आप लोगों को इस तरीके से एडजस्ट करना है ताकि ये जो इमेज है ए डैश बी डैश ये किस पर आ जाए, फोकस ऑफ द आईपीस, फोकस ऑफ द आईपीस पर आना चाहिए ये वाली इमेज। फिर ये इमेज बिहेव करेगा एज ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, और यहां से जब हम पैरेलल ये इस तरीके से रेज डालेंगे, एक सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से, और एक पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस को, फाइनल इमेज तक जब इनको मैं बैकवर्ड करूंगा, फाइनल इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी, तब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को हम कह सकते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड में, क्योंकि जो फाइनल इमेज है वो कहां पर बन रही है, शाबाश, इन्फिनिटी पर, वो भी इन्वर्टेड होगी, इसके कंपैरिजन में इरेक्ट होगी लेकिन इसके कंपैरिजन में इन्वर्टेड होगी। ठीक है? तो ऐसे रे डायग्राम को हम बोलेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड। तो लेकिन आप लोगों ने पहले भी देखा मैग्नीफाइंग पावर जो है वो बीटा अपॉन अल्फा है, विच इज अप्रोक्सीमेटली टेन बीटा और टेन अल्फा। पहले केस में हमने मैग्नीफाइंग पावर को, शाबाश, एफ अपॉन माइनस यू ई तक निकाला था, लेकिन यहां पर यू ई के बजाय क्या है, एफ ई, इसलिए मैग्नीफाइंग पावर कितना आएगा बेटा, एफ अपान, शाबाश, यू ई के बजाय क्या लिखाएंगे, माइनस एफ ई। क्लियर है बेटा? ये याद रखना एफ, मगर ये यहां पर है एफ ओ, फोकल, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस, ये होता है बेटा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड, कभी कभार ये नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड ही आता है पेपर में, तो ये भी याद रखना है। नॉर्मल जब ये इमेज फॉर्म की जाएगी एट इन्फिनिटी तब कौन सी रे डायग्राम बनती है, तो ये वाली, और मैग्नीफाइंग पावर उस वक्त कितना निकलता है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है सारा, एफ ओ अपॉन माइनस एफ ई। तो
इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में इमेज जो होती है वो फॉर्म करती है इन्फिनिटी पर, ये याद रखना बेटा। थैंक यू।